नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। दोस्तों UGC नेट हिस्ट्री, UGC नेट इतिहास की ऑनलाइन क्लास ये 39 है। आपने हमारी 38 वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार। दोस्तों हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट जेआरएफ पर हमारा जो प्रयास है ये बिना किताबों के नेट जेआरएफ कराना हमारा ये उद्देश्य है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आज के जो टॉपिक हैं वो हमारे चार टॉपिक होंगे। पहला टॉपिक भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, दूसरा टॉपिक भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, तीसरा जो होगा वो बंगाल विभाजन 1905, ठीक है 1905 है ये दोस्तों, ठीक है 1905, और स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ये चौथा टॉपिक उसका होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को देखते देखते आप नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। हैंड नोट्स जो होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, जहाँ स्टार आ जाए वहाँ पर आप लई नाम से स्टार्ट करना। VD सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर, द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएँ महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS, ठीक है RSS की स्थापना की, ठीक है। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। जतेंद्रनाथ मुखर्जी 1879 में, ठीक है इनका जन्म हुआ और 1905 में इनकी जो है मृत्यु हो गई। बंगाल के क्रांतिकारी थे वे। विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बागजतिन के नाम से भी जाने जाते थे। चापेकर बंधुओं, जिनका नाम दामोदर हरी चापेकर और बालकृष्ण हरी चापेकर एवं वासुदेव हरी चापेकर ने 1896-97 में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी। नोट डाउन करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी। इन दोनों के हत्या के आरोपों में दामोदर हरी चापेकर को फांसी दे दी गई, ठीक है। इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं की सूचना पर हुई थी, यानी कि एक द्रविड़ बंधु थे, उन्होंने सूचना दी कि जो ये लेफ्टिनेंट रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स जो की जो गोली मारी है ये चापेकर बंधुओं ने मारी है, ठीक है। उनकी सूचना पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक
अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए। जनता ने उन्हें लोकमान्य, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है कई बार जन आ चुका है कि लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को कहाँ और कब दी गई थी। दोस्तों जब वो मांडले जेल कैद उनको दी गई थी और जो उनका विरोध हुआ था, इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। दिसंबर 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी। जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे, कृष्ण गोपाल करवे और विनायक देशपांडे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। वीर सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया। इनके साथ कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली। वर्ष 1908 की वर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था, ठीक है। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ट बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्रंजन दास ने किया था, ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल, अध्यक्ष थे इनके राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद इनके संस्थापक थे। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को, ठीक है, नोट डाउन करना, इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर, ठीक है, काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना वो लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही मात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अंत में 27 फरवरी 1931 को
इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अशफाकुल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। ठीक है, नोट डाउन करना, अशफाकुल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में 29 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी से दो दिन पहले जब दूध पीने को दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। ठीक है, यानी कि वो कह रहे थे कि मैं अपनी धरती माता का दूध लूँगा। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि SHRA की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी, यानी कि SHRA की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के दो सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 16 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर ज़िले में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टरता के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने आयोजित कराया था। ठीक है, आयोजित किया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रतिलता वाडेदार, गजेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगराबल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ठीक है, 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूरसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद
13 दिसंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 64 दिन दोस्तों उन्होंने भूख हड़ताल की थी और 13 दिसंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई थी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्यागने के लिए 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, त्याग देने के बाद जो है 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दिसंबर 1931 में बंगाल की दो स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। वर्ष 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ठीक है, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखने तथा श्री वर्मा द्वारा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन के साथ ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 में पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भागना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। ठीक है, सोहन सिंह भागना ने इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भी कामजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगियों बरकतुल्ला बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल अफगानिस्तान बताए में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने थे। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1961 को हुआ था। उनके पिता माता पिता पारसी थे। ठीक है, पारसी धर्म के थे। सौरभजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। ठीक है, उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ था जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादाभाई नौरोजी की निजी संपत्ति के रूप में सेवा की। भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थीं। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया जिसका डिजाइन स्वयं
बी डी सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया था। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदनलाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह को फांसी दी गई। ध्यातव्य है कि मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन पायली बायली तथा डॉक्टर कारवास लल्लाक को गोलियों से भून दिया था। फलत उन्हें फांसी की सजा दी गई। ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी। कामागाटा मारू हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदित सिंह ने चलाए गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह तथा सोहनलाल पाठक की सुनवाई में सोर समिति, जिसका जो तटीय कमेटी बोलते थे, का गठन हुआ। अमेरिका में रह रहे भारतीयों भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कामागाटा मारू जहाज के बज कलकत्ता पहुंचने पर क्रूर यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री मारे गए तथा 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। राजबिहारी बोस जापान में रहे थे और वह अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने हेतु टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने हेतु टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन बुलाया गया। चौदह से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इनको विधिवत रूप प्रदान किया गया तथा सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण किया गया। इसी सम्मेलन में राजबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। दोस्तों 20 जुलाई 1905 को केवल निर्णय लिया गया था,
7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन भी रद्द कर दिया गया। विभाजन के बाद बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया, यानी रक्षाबंधन में मनाया गया था। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिम बंगाल में विभाजित हो गया। ठीक है, पूर्वी असम और पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में है। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार थे। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 ये वायसराय रहे, ठीक है, के काल में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। सर एंड्रयूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य यानी कि ईस्ट और वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। ठीक है, एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असामंजस्य का मूल कारण है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि पूर्व में भी पश्चिम को समझने में गलती करे। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं के सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। उनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट जिला खुलना की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया था। ऊपरी तौर पर ब्रिटिश
ऊपरी तौर पर ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में यह मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया एक प्रयास था। ठीक है, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को शासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। यह एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था। ठीक है, वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को शासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश में विशेषकर पुणे में बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश में विशेषकर मुंबई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा ने दिल्ली तथा चिदंबरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय होना और भाग लेना, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। ब्रिटिश पत्रकार एच डब्ल्यू नेविनसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में उन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया के नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में
नई चेतना जागृत करना था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी नई राजधानी घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया था। उड़ीसा तथा बिहार 1912 में अलग प्रांत का दर्जा को घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार 1912 में अलग प्रांत का दर्जा को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि स्थिति 1964 जैसे उसकी स्थिति 1874 ठीक है असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी तथा सिलहट को उसमें जोड़ दिया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल जेबी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर देना, उसके पास बेल आइकन उसको प्रेस कर देना जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।